माइक लो भैया, जा ये एसी आगे लगी बंद कर दो, कहे हम विदेशी आए, बंद बंद कर इसको, बंद कर, ऑफ दबा दो। हाँ नजदीक आइए, कहाँ से हैं बहन? नीम का थाना से हूँ बाबा जी। नीम का थाना से। नीम का थाना यही कहीं है क्या? हाँ सीकर के अंदर ही आता है। अच्छा, अभी नया जिला बना है नीम का थाना। हाँ आपने यहाँ किसी को अपना परिचय या समस्या बताया तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ किसी को नाम बताया था क्या? नहीं किसी को नाम नहीं बताया, मैं अकेली ही आई हूँ। अच्छा अकेली ही आई। फिर हमें कैसे पता लगा? राम राम, राम। बहन जी जो हमें प्रेरणा लगी हमने वो लिख लिया। आप पूछो क्या समाधान पाना चाहते? बाबा जी मैंने घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर ली थी 5 साल पहले जी। घर वालों का साथ छूट गया, ससुराल वाले भी परेशान कर रहे हैं जी। अकेली पड़ गई हूँ, मरना चाहूँ बच्ची हो गई, मरना मर भी नहीं सकती, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। घर वाले बुलाना चाह रहे हैं, बड़े भाई साहब नहीं बुला रहे, मम्मी पापा बुलाना चाह रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? उत्तर लिख करके आया हो बाबा जी, आप ही बताओ, मैं तो पूरी तरह। अच्छा हम बता, ठीक हमने लिख लिया बहन। हम पूछना चाहेंगे कौन से सन में आपका विवाह हुआ ताकि दुनिया को पता लगे हमारे परिचय में है। 5 साल पहले विवाह हुआ। कौन सा सन आपकी लव शादी है? हाँ जी लव मैरिज हुई थी मुझे। सन तो सर 5 साल पहले लगा लीजिए। लगाएं तो 18 फाइनल लगभग, याद नहीं है मुझे 18। पर फिलहाल परेशानी यही है कि मैं करूं क्या, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा मरने। अच्छा हम आपको एक बात बोलेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, आपकी दो शादी की डेटें हैं। दो हैं? हाँ पहले मेरी सगाई भी हुई थी। हाँ उसकी भी। कौन सी तारीख? सगाई तो वैसे ही हुई थी नॉर्मली, शादी थी 4 दिसंबर को होने वाली थी मेरी, फिर वो कैंसिल हुई, उस डिप्रेशन में मैंने लव मैरिज कर ली और उसके बाद से मैं परेशान हूँ 5 साल से। हाँ पढ़िए, तनाव में है, डिप्रेशन में है, बहुत हैरान है, पूछने आई है क्या करें, पितृ दोष का उपाय करें, घर वाले स्वीकार कर लेंगे, समस्या का समाधान होगा। लव विवाह 2018 में किया था, पूर्व का 4 दिसंबर का टूट गया था, पर दूसरी शादी मन मुताबिक की थी, घर वाले स्वीकार कर लेंगे, मरना नहीं है, आशीर्वाद है। जय सियाराम। समस्या और बोलूं आपको? एक मिनट, हमने कुछ बातें और लिखी, बोलो आप बोल सकते हो। सुबह 10 बजे मेरे को मम्मी का फोन आया कि आपका यहाँ धाम लगेगा। मैं 11 बजे अकेले ही तैयार होके 400 रुपए किसी से उधार किराया लेके निकल ली, रास्ते में थके खाते खुते पहुंच गए यहाँ पे। क्यों साधन नहीं थे आज तो मिल नहीं रहे थे साधन? बड़ी क्यों नहीं मिल रहे थे साधन? आज भीड़ वगैरह थी ना उस वजह से। हाँ, हाँ, ट्रैफिक जाम तो था। क्या समस्या दूसरी ये है कि मेरा जो छोटा भाई है वो फिलहाल सीरियस है, खाना वाना सब छोड़ दिया है उसने। भाई गंभीर बीमार है घर में, चिंता ना करें, उसे भी आशीर्वाद है, भभूति पहुंच जाएगी उस तक, पहुंचा दे। इन्फेक्शन बना है, सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, कोई फायदा नहीं है, तो भभूति पहुंचाइए, बालाजी लीला कर दे हैं। एक चर्चा है जो हम आपको बिना माइक के बोलेंगे। जय श्याम।
भभूति वहाँ वहाँ पे वहाँ है भभूति। हाँ एक ए, ए, हाँ जय 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 धाम भी आना बहन। हाँ एक काम करो नीतन, बहन को कुछ रुपया भी दे दो किराए के लिए। आओ मेरी बहन, बस बहन लो लो बहन। लो ये किराया ले जा, कोई कोई बाद में चुका देना।